हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित हाई फाइव व्लॉग 002 पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं घूमने आया हूं माँ भारतकालीन मंदिर जयंती देवी मंदिर को, जो कि पांडवों द्वारा माँ भारत के युद्ध में जाने से पहले इस मंदिर का निर्माण करवा गया था। ऐसा विश्वास है कि जब माँ भारत के युद्ध से पहले पांडव युद्ध में जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी विजय को बरकरार रखने के लिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, ताकि महाभारत के युद्ध में उनकी विजय हो। देखिए, ये बाहर का इसका गेट है और ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और ये इसके आसपास की ये जगह है। अभी मैं इसको आपको बिल्कुल सामने से दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है जींद का जयंती देवी मंदिर, जिसका निर्माण पांडवों ने महाभारत में के युद्ध में जाने से पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अभी हम इसकी ओर आगे बढ़ेंगे और इसको अच्छी तरह देखते हैं। ये देखिए, ये है जयंती देवी मंदिर, जिसके गेट द्वार पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, और ये इसके बाहर खड़ा एक प्राचीन बरगद का वृक्ष, जो कि बेहद ही विशाल है। और ये आप देख सकते हैं, ये इसके आसपास की जगह। अभी हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। ये इसका कुछ आसपास का परिसर है। ये देखिए, ये है इस मंदिर का परिसर। यहाँ नवरात्रों और अन्य अवसरों पर यहाँ भंडारे और कीर्तनों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं जयंती देवी मंदिर, जो कि जींद का ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का ये शायद सबसे प्राचीन मंदिर हो सकता है, जिसका निर्माण पांडवों के द्वारा करवाया गया था। ये आप देख सकते हैं इस मंदिर का मुख्य गेट, ये आप देखिए, यह है इस मंदिर का गेट, जिसके ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये जींद में मौजूद जयंती देवी मंदिर। अभी हम इसके अंदर चलते हैं और इसको अंदर से देखते हैं। अभी हम एक घंटा अपनी तरफ से भी बजा देते हैं। ये इस मंदिर के अंदर का परिसर आपको ये दिखाई दे रहा है। ये है जयंती देवी मंदिर, और यहाँ ये जो समय समय पर आयोजन किए जाते हैं, उनकी यहाँ पर ये कुछ फोटो लगाई गई है, आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, एक ये यज्ञ कुंड का, यहाँ पर ये यज्ञ कुंड बनाया गया है, जहाँ पर यज्ञ आयोजित किए जाते हैं। और ये आप एक देख सकते हैं माँ राजेश्वरी मनसा देवी मंदिर, ये माँ राजेश्वरी मनसा मंदिर, और जो कि दोनों ही प्राचीन मंदिर हैं। ये आप दर्शन कर सकते हैं माता मनसा मंदिर और जयंती देवी मंदिर दोनों के। और ये है बेहद ही प्राचीन और पुराना मंदिर, जिसका निर्माण पांडवों के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था महाभारत के युद्ध में जाने से पहले। और ये है जयंती देवी मंदिर, जिसका निर्माण पांडवों के द्वारा महाभारत के युद्ध में जाने से पहले अपनी विजय को पक्की करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और पूजा अर्चना के करने के बाद वो युद्ध में गए थे, और जिसका परिणाम ये हुआ कि उनको महाभारत के युद्ध में विजय भी प्राप्त हुई। ये देख सकते हैं आप जयंती देवी मंदिर का मुख्य मंदिर, ये देखिए, ये है जयंती देवी, वो आपको सामने माता जयंती देवी आपको दिखाई दे रही है।
और ये यहाँ पर माता जयंती देवी विराजमान, आप ये दर्शन कर सकते हैं माता जयंती देवी के। और ये इस मंदिर का अंदर का परिसर आप देख सकते हैं। और ये इधर हनुमान जी विराजमान हैं और ये माता जयंती देवी मंदिर में मंदिर के मुख्य पुजारी से आप ये रूबरू हो सकते हैं। अभी मैं आपको इनकी बात करूंगा। तो अभी मेरे साथ बैठे हैं मंदिर के मुख्य पुजारी। क्या नाम सर आपका? नवीन शास्त्री। नवीन शास्त्री सर, तो कितने समय से हैं आप इस मंदिर में मौजूद सर? हमारी कई पीढ़ियाँ हुई इस मंदिर में पूजा अर्चना करते। अच्छा अच्छा, पीढ़ियों से आप इसमें पूजा करते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, और इस मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हैं? यह जिंद नगर का सबसे ऐतिहासिक, प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। इसी मंदिर के नाम पर ही जिंद का नाम पड़ा। पहले जिंद का नाम जयंतप्रस्थ होता था, अब उसके बाद जयंतपुरी और अब वर्तमान में जिंद है। इसका उल्लेख वामन पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में भी मिलता है। अच्छा, पुराणों में इसका जिक्र है इस मंदिर का। अच्छा अच्छा सर, महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पर विजय के लिए आराधना की थी। उससे पहले समुद्र मंथन के समय देव सरस्वती जयंत ने भी यहाँ पर असुरों से अमृत कलश पाने के लिए विजय की उपासना की थी। अच्छा अच्छा सर, और कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इस मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा करवाया गया था। अच्छा सर, तो ये हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी, जिन्होंने भी अभी इसके मंदिर के इतिहास के बारे में हमें बताया। सर्वप्रथम भारतवर्ष में कहीं भी शक्ति की उपासना करते हैं, सर्वप्रथम ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली बिल्कुल बिल्कुल दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सद्भानुश्री, इसी मंत्र से शक्ति की उपासना की जाती है। यह शक्ति का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को हवन होता है। प्रत्येक प्रदोष व्रत पे रुद्राभिषेक होता है। श्रावण मास और फागुन मास में रुद्राभिषेक होता है। आषाढ़ मासी गुप्त रात्रों में यहाँ पर कथा होती है और यहाँ पर सप्तमी के नवरात्रों की सप्तमी पर मेला भरता है हमारे। तो अभी हमने मंदिर के मुख्य पुजारी से बात की है, अभी मैं आपको इस मंदिर को अंदर से दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप माता जयंती देवी को कितने भव्य और कितने शानदार रूप में इसको सजाया गया है। ये देखिए माता जयंती का मुख्य मंदिर, जो कि बेहद ही भव्य और शानदार ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। और ये माता जयंती की यहाँ पर ये ज्योत जल रही है और ये शिष्य के अंदर माता की तस्वीर विराजमान की गई है। ये देखिए कितना शानदार और कितना सुंदर ये मंदिर सजाया गया है। और इसके इतिहास के बारे में तो अभी आपको पता ही चल ही गया होगा, जैसे कि मंदिर के मुख्य पुजारी ने आप लोगों को बताया। ये देखिए ये कृष्ण भगवान और श्री राम की यहाँ तस्वीर विराज की गई है। और ये इस मंदिर में पूरा शिव परिवार आपको ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए पूरा शिव परिवार। भगवान विष्णु जी की ये देखिए कितनी शानदार यहाँ पर प्रतिमा विराजमान है। और ये राधे कृष्णा और ये माँ काली, देखिए ये माता काली की ये कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर ये रखी गई है। और ये भगवान हनुमान जी का मंदिर इस जयंती देवी के अंदर ही मौजूद ये मंदिर अन्य बने हुए हैं।
दोस्तों, ये है जींद का जयंती देवी मंदिर। ये आप मेरे साथ जींद के जयंती देवी मंदिर को देख रहे हैं, जो कि बेहद ही प्राचीन और पुराना ये मंदिर मौजूद है, और जिसका अभी मुख्य पुजारी ने भी बताया कि इस मंदिर का वर्णन पुराणों में और विष्णु पुराण, महापुराण, अन्य पुराणों में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है, और ये बेहद ही पवित्र और पुराना मंदिर अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं। ये है जींद का जयंती देवी मंदिर, आप देख सकते हैं। देवी मंदिर के नाम पर दोस्तों जींद का नामकरण हुआ, और पुराना मंदिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बेहद ही पुराना और प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण पांडवों के द्वारा करवाया गया था, ताकि महाभारत के युद्ध में उनको विजय प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था पांडवों के द्वारा, और ऐसा हुआ भी। जैसा कि आपको पता, हम सबको पता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और कौरव बुरी तरह परास्त हुए, और इस उस जीत का पूरा श्रेय इस मंदिर को जाता है। और ये देख सकते हैं आप, इस मंदिर के परिसर के बाहर मौजूद ये एक बरगद का विशाल पेड़, ये देख सकते हैं, ये मंदिर का मुख्य गेट। और दोस्तों, जब पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, उस समय ये एक जंगल के रूप में मौजूद थी ये जगह, और धीरे धीरे यहाँ पर नगरी का निर्माण हुआ, और ये पूरा आज वर्तमान में ये पूरा शहर हमारे सामने मौजूद है। दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और लाइक शेयर ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।